आज समाज में व्याप्त बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में विजयादशमी पर्व, दशहरा पर्व एक महान पर्व है। ये शारदीय नवरात्रा के 9 दिनों के माँ जगदम्बे, माँ अम्बे, माँ दुर्गे की पूजा अर्चना करने के बाद ये 10वां दिन यहाँ पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं पूरे देश की समस्त जनता, प्रदेश की जनता, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले एवं मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र की माताएं एवं बहनों, भाइयों तथा युवा क्रांतिकारी साथियों, गुरुजनों के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर माँ अम्बे से, माँ जगदम्बे से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस नगर के सभी माताएं, बहनों, साथियों, गुरुजनों, क्रांतिकारी साथियों को सब परिवार सानंद मंगलमय, सभी तरह से पुत्र पौत्र आदि धन धान्य से परिपूर्ण रहने की, होने की वो आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मेरी माँ जगदम्बे से प्रार्थना है, मेरी उनसे विनती है, मेरे उनके चरणों में निवेदन है। इसके साथ ही मैं पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर की आम आवाम जात और धर्म से ऊपर उठ करके तमाम यहाँ के युवा से, गुरुजन, माता एवं बहन सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामना, विश्वास और उनके साथ के फलस्वरूप उन्होंने मुझे जो संकल्प दिलाया था कि मैं उनके सेवक के रूप में इस मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था से मुक्त करा करके स्थिति है स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बहुत बड़ा भारी कलंक लगा हुआ है, इस कलंक से मुक्ति के लिए, इस शहर को सही रूप में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, सही रूप से जन समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने जो मुझे संकल्प दिया था, उसमें कुछ दिनों के लिए अवरोध पैदा हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप अभी मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी चुनाव अभी स्थगित कर दिए गए हैं सभी पदों पर। लेकिन मैं सभी अपने जनता मालिकों से, माताएं, बहनों, भाइयों, गुरुजनों को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे मैं भी हताश निराश नहीं हूं, और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप भी इस परिस्थिति में आप कहीं से भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपने जो मुझे संकल्प दिलाया था आपकी सेवा के लिए, एक सेवक बनने के लिए जो आपका आदेश था, वो निश्चित रूप से निकट भविष्य में जब भी चुनाव होंगे मुजफ्फरपुर नगर निगम के विभिन्न पदों पर, तो मैं जिस मुझे जो आपने मुख्य प्रधान सेवक के रूप में आपने उन्हें आपने मुझे जो सेवा करने का मौका देने का संकल्प दिलाया था, उस संकल्प पर मैं दृढ़ हूँ। जब भी चुनाव होगा तो मैं आपके प्रतीक के रूप में, आपके आदेश के फलस्वरूप, आपने जो संकल्प दिलाया था उस संकल्प के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, मेरा संघर्ष जारी रहे, चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी, बहुत सारे प्रत्याशी आ जाएंगे, अगर जनरल हो गया तो, सामान्य सीट हो गई तो। कोई भी प्रत्याशी जब जनता मालिक है, 2002 के बाद पहले बार जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, जो संविधान में जो है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी
महापौर उपमहापौर पार्षद को तो पहले जनता चुनती थी, लेकिन जो महापौर उपमहापौर का जो खेल होता था वो खेल बंद होगा। और बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कि नहीं अब महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी डायरेक्ट जनता की, क्योंकि जनता को उठाना पड़ता है, इसलिए चुनाव बढ़ेगी घटेगी उससे जनता कहीं से विचलित नहीं होगी। अब प्रत्याशी बढ़ेंगे जहाँ जनता मालिक होगी, जनता वोटर होगी, तो जनता को अधिकार है सेवक चुनने का, उसको छीन नहीं सकता है। और जनता अपने मन मुताबिक अपने सेवक का चुनाव करेगी। इस बार जनता की ये इच्छा है कि इस बार जनता मालिक नहीं बल्कि सच्चे रूप में अपना सेवक चुनेगी जो उनकी समस्याओं से निजात उनको दिला सके। नंदू जी, चुनौती बड़ी है, मेकर डायरेक्ट मैदान में आपके सामने है। किंग मेकर का क्या होगा? कोई भी मेकर हो, कुछ भी हो, कोई भी आएंगे, बोरा वाले, झोला वाले और बाहुबली शक्ति बली कोई भी हो, जनता के सामने जब चुनाव में जनता को जब चुनना होता है तो सारे शक्ति और बल, धन बल, शक्ति बल सभी लोग परास्त होंगे। जनता जीतेगी और जनता का सेवक जिसको जनता बनाना चाहेगी जनता बनाएगी। हमको विश्वास है, जनता का विश्वास मुझ में है, क्योंकि इतने कम दिनों में मैंने देखा जनता खुद आगे थी, मैं पीछे था। जनता मेरी लड़ाई खुद लड़ रही थी, अपने आप आवाज उठा रही थी कि नंदू कहाँ है, नंदू कहाँ है। और मुझे जनता ने विवश किया कि इस चुनाव में मैं उनके सेवक के रूप में मैं आने के लिए अपनी सेवक के रूप में नियुक्ति देने के लिए मैं नामांकन करूँ जनता के आदेश हुआ। तो जनता के सामने धन बल, शक्ति बल, आई मेकर, टेकर, सारे सिंडिकेट, इंडिकेट सब ध्वस्त हो जाएंगे, जनता जीत। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैंने अपील कर दिया, जनता आप जो है कहीं भी इससे इस आदेश से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कहीं भी हताश होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना